टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बुलंदशहर से है। दिनांक 13/5/2020 को 100 माकड़ी नहर पटरी आम के बाग में पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त मोहित पुत्र उदयवान जाति गुर्जर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कचरोड़ थाना खानपुर जिला बुलंदशहर के रूप में हुई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जांच में पाया कि मृतक की पत्नी सरिता के अपने पारिवारिक रिश्तेदार राहुल पुत्र सुखवीर गुर्जर नंगली किठोर थाना किठोर से अवैध संबंध थे। मोहित इससे बाधा बन रहा था। दिनांक 12/5/2020 को समय करीब रात्रि 8 बजे राहुल ने मृतक मोहित को फोन करके माकड़ी नहर पटरी पर बुलाया। मृतक अपने पिता से वार्ता कर राहुल से मिलने आया। राहुल ने अपने गांव नगली के रहने वाले दोस्त निर्दोष पुत्र धर्मपाल जाटव उम्र 25 वर्ष के साथ मिलकर माकड़ी नहर पटरी आम के बाग में शराब में नींद की अल्प्रोस नशे की गोलियां मिलाकर पिला दी, जिससे मोहित की मृत्यु हो गई। नापुर नहर पटरी पर मोहित पुत्र उदयवान काचरोट का शव मिला था। क्या कारण था हत्या का, उसमें कुछ खुलासा किया है? दिनांक 13/5/2020 को माकड़ी के पास मृतक मोहित का शव बाग में मिला था। मोबाइल पुलिस पहुँच कर पोस्टमार्टम कराई गई। शरीर पर कोई निशान नहीं था और बिसरा प्रिजर्व किया गया था। कल दिनांक 30 को मृतक के पिता उदयवान द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे पुत्र की हत्या तीन लोगों ने मिलकर की है। निम्न FIR हुआ था। FIR के आधार पर तीनों अभियुक्त को कल गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जेल भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण था हत्या का? मृत्यु का कारण पूछताछ से अवैध संबंध बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी और अभियुक्त मुख्य अभियुक्त राहुल का अवैध संबंध था, जिसके तहत मिलकर सोचे साजिश के तहत हत्या की गई। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।